हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपके सामने मेंसुरेशन का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। एक शंख की ऊंचाई और व्यास जो है 6:5 दिया है और आयतन 2200/7 दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछा है। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच बराबर दिया है 2200/7 दिया है दोस्तों। 1/3 इंटू 2200/7 गुड़े में, देखिए त्रिज्या जो है आपका व्यास 5 दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5x/2 हो जाएगी गुड़े में, 5x/2, और ऊंचाई जो है आपका 6x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 6 दिया है, और ये 2200/7 हो जाएगा। ये 7 से ये 7 कट गया, तो यहाँ से आपका यक्स बराबर निकालेंगे तो 2 आएगा दोस्तों। तो ये व्यास आपका 10 हो गया और ऊंचाई जो है आपकी 12 हो गई, तो व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जब त्रिज्या 5 ऊंचाई 12 तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 13। यानी यही है ऑप्शन सही आपका, इस तरह आसानी से आप लगा सकते हैं। सामने ये देखिए ज्योमेट्री का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। ये 40 दिया है दोस्तों, ये 85 दिया है, तो आपसे ये जो है ये एंगल पूछा कितना होगा, ये कितना होगा। तो ये देखिए ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है, तो ये 85, तो ये डायरेक्ट 85 डिग्री हो जाएगा क्योंकि चक्री चतुर्भुज का बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के बराबर होता है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंतःकोणों को योग 180 अंश होता है दोस्तों। इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएंगे तो ये 55 डिग्री निकल के आएगा। जब ये 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण से दोस्तों। तो देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है डी सी एफ, तो ट्रायंगल का जो है बाह्य कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो 85 में से 55 घटाएंगे तो ये 30 डिग्री निकल के आएगा। यही एंगल पूछा था आपके सामने, निकल गया।